जी से हो गया। कौन साहब? अलिया साहब बखर से। जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी वो अभी मैं जानवरों को खिला रहा हूँ, लेकिन कुछ मैं ये चाह रहा हूँ कि वो कुछ ना मतलब सख्त हो जाएगी, सूख जाएगी, हाँ तो जी ये मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब उसको काट कर सुखा दूं और सब्जियों के साथ जब सूख जाएगी मिक्स करके कुतर कर देता रहूं, तो ये ठीक है सर? ये भी आप कर सकते हैं। और मकई का साइलेज भी बना सकते हैं। चले, वो भी, वो जिस तरह आपको आसानी हो, लेकिन वो उस तरह भी दे सकते हैं। और ज्यादा सूदमंद और जूद हजम जो होता है वो होता है साइलेज बनाना। इसका साइलेज बना लेंगे, कोई पिट खोद के उसके अंदर और अच्छी तरह दबा के, और उसमें से ऑक्सीजन हवा सारी खारिज कर देंगे, और उसकी लिपाई करके 2 महीने बाद तैयार हो जाएगा। वो आप साइलेज वो खिलाएंगे तो वो भी बड़ा फायदे वाला है। सर बड़ी मेहरबानी ओ, सर। मेरी जान, मेरी जान। कितने जानवर रखे हुए हैं? 10? कितने, क्या कुछ है उसमें? तीन गाय हैं, वेरी गुड। और जो गाय हैं हामला हैं या नहीं? वेरी गुड। ये, और जब भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वैसे बड़े पुराने व्यूअर भी हैं और मेरे से सवाल भी करते रहते हैं। अगर वहां से आपको बहुत कुछ मिल जाता है, आपको चैनल से ही, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहां से ले लें, ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। और पूरे बकर को मेरी तरफ से ईद मुबारक, ठीक है? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं। हजरत अबी तुफैल रजील ताला अनहु का बयान है कि मैंने जोराना के मकाम पर, ये जोराना एक ऐसी जगह है जहां मैंने भी ये देखा है, विजिट किया, तो जोराना के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त तकसीम करते हुए देखा। इतने में एक औरत आई और आ हजूर के करीब पहुंच गई। आपने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी और वो उस पर बैठ गई। मैंने लोगों से पूछा कि ये औरत कौन है, तो उन्होंने कहा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो माँ हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। ये मैं अबू दाऊद से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमल्ला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।